हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कन्विटल। तो दोस्तों, आज मैं एक पेज का हेल्थ चेकअप लेने वाला हूं। तो दोस्तों, उनकी रिक्वेस्ट थी, पेज ओनर की रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे पेज पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्तों, उनके पेज पे प्रॉब्लम क्या आ गई है, उनके पेज पर दोस्तों पार्टनर मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो रेड हो चुकी है, एंड दोस्तों इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का भी इशू है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ये भी क्लियर किया है कि आप अगर अपने पेज में क्या करते हैं जिससे कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आ जाता है, एंड दोस्तों क्या ना करने से ये नहीं आएगा। तो दोस्तों, वो सब मैंने क्लियर किया है। एंड दोस्तों, आपकी भी सेम इंक्वायरी है या सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों मुझे नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैंने इस वीडियो में बहुत ईजिली क्लियरली बताया है। तो दोस्तों, इस टाइप की वीडियो मैं लाता रहता हूं, इसके लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिसके न्यू वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर। दोस्तों, आप इस पेज को देख रहे हो, इस पेज ओनर की एक रिक्वेस्ट है कि इस पेज पर एक पार्टनर मोनेटाइजेशन का इशू आ गया है। तो दोस्तों, उनको बताना है कि ये क्यों आया है, किस वजह से आया है एंड क्यों हट सकता है। तो दोस्तों, जो फेसबुक क्रिएटर्स हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, मैं उनका भी सब कुछ क्लियर करूँगा कि ये सब क्यों आता है एंड कैसे आप इसको हटा सकते हो। तो दोस्तों, जो पेज ओनर की रिक्वेस्ट है वो आप सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहले मैं इस पेज के फॉलोवर्स दिखा देता हूँ। इस पेज पर 10K फॉलोवर्स हैं एंड जो पोस्ट की रीच है वीकली वो 33,000 से अबव है। तो दोस्तों, अच्छी रीच है एंड दोस्तों 10K हो गए हैं तो आप समझ ही सकते हो जो इन स्ट्रीम ऐड होती है उसके लिए ये एलिजिबल हो चुके हैं। मतलब एक तरीके से कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं अगर इनका वॉच टाइम कम्प्लीट है तब। तो दोस्तों, पहले इसकी पेज क्वालिटी देख लेते हैं। तो पेज क्वालिटी चेक करने के लिए हमें यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है एंड पेज क्वालिटी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कोई वायलेशन तो नहीं है। तो दोस्तों, पेज क्वालिटी तो एकदम ग्रीन है, योर पेज हैज़ नो रेस्ट्रिक्टेड और वायोलेशन। तो दोस्तों, ना रेस्ट्रिक्टेड है ना वायोलेशन है। तो दोस्तों, बैक अब जाते हैं पेज पर। तो दोस्तों, ये चेक करने के बाद अब हम चेक करते हैं इसके क्रिएटर स्टूडियो में जा करके। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर बॉर्डर में आप देख सकते हो क्रिएटिव स्टूडियो को ऑप्शन मिलता है, बट कुछ लोगों के आईडी में भी सेम ऐसा ही है जैसे इसमें है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पब्लिश टूल पर क्लिक करना है। पब्लिश टूल में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे एंड टूल्स का ऑप्शन होगा। टूल्स में आपको क्रिएटिव स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ से क्रिएटिव स्टूडियो ओपन कर लेना है क्रोम में ही। एंड दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएटिव स्टूडियो जो ऐप फेसबुक ने लॉन्च किया है वहाँ पर ओपन होगा। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड डेस्कटॉप साइड पर कर देना है। तो दोस्तों, डेस्कटॉप साइड में करेंगे तो आपका ये क्लासिक मोड ओपन हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे इनका जो होम है वो आ गया है, जो इनकी पोस्ट हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मोनेटाइजेशन में यहाँ पर दोस्तों मोनेटाइजेशन इशू ऊपर शो हो रहा है, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। आपको फेसबुक फॉर क्रिएटर्स पर जाना है एंड यहाँ पे इन स्ट्रीम के लर्न मोर पे आप क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हो। यहाँ पर आपको सी स्टेटस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइड पे करते हैं एंड अगेन आपको सी स्टेटस करना है। दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करना है, आपके सारे पेजेस आ जाएंगे। एंड दोस्तों, 10K होने के बाद भी आपका यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है उसकी किसी भी इन्होंने कोई गाइडलाइन के खिलाफ गए होंगे, जिसकी वजह से ये पार्टनर मोनेटाइजेशन जो है वो रेड हो चुका है। एंड जो इनके बाकी क्राइटेरियाज़ हैं लाइक वॉच टाइम, एंगेजमेंट, वो कुछ भी शो नहीं हो रहा है सिर्फ इसी वजह से। तो दोस्तों, हम दोबारा से फेसबुक के क्रिएटर पेज पे जाते हैं, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो पे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में पॉलिसी इशू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका जो इशू है वो यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इनका वायोलेशन है, जो पॉलिसी इशू है वो आ रहा है इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट का। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट किया है। इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने लीगली नहीं, अनलीगल तरीके से अपने फेसबुक पेज के ऊपर ये इंगेजमेंट लेके आए हैं, लोगों को इंगेज किया है। जो कि अगर आप अपनी आईडी से ये क्यों आता है तो दोस्तों उसका भी एक रीज़न है। तो दोस्तों, पहले मैं इस आईडी में वो चला जाता हूँ, आपको फेसबुक पेज ओपन करना है। तो दोस्तों, फेसबुक पेज में आने के बाद अब दोस्तों मैं आपका रीज़न बताता हूँ। लाइक आपने दोस्तों ये पोस्ट डाला है, तो दोस्तों अगर इसी पोस्ट को आप यहां से खुद लाइक कर देते हो, अपनी ही आईडी से लाइक कर देते हो, तो दोस्तों ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाएगा।
लाइक आप यहाँ से शेयर कर देते हो तब भी दोस्तों ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाएगा। एंड दोस्तों और क्या कि आपने ये पोस्ट डाला, इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में ये लिख दिया कि ये पोस्ट जो है मतलब इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस पेज को फॉलो कीजिए, तो दोस्तों ये भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाता है। क्योंकि आप इसको मतलब लिख देते हो तो आप इनडायरेक्टली एक पर्सन से कह रहे हो जो आपके पेज पे आ रहा है कि आप मेरे पेज को लाइक करो, शेयर करो, तो एंड पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, तो ये इनडायरेक्टली आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाएगा। एंड दोस्तों और क्यों आता है कि आप इस पोस्ट को मतलब किसी और का यूज़ कर रहे हो, किसी और की अगर पोस्ट को यूज़ कर रहे हो तब भी ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ सकता है। लेकिन दोस्तों इस बार क्यों आया है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया है कि आप इसको अगर ना करोगे, नहीं करोगे बिल्कुल, तो आपके पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट नहीं आएगा। बट इस पेज पे क्यों आया है उसका रीज़न पता करने के लिए हम इसका जो आप सेटिंग देख रहे हो पेज की, इन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्टली देखना है इसका इन्फो, जो पेज का इन्फो है। तो दोस्तों हम पेज का इन्फो चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, या इनकरेक्ट है। तो दोस्तों पेज इन्फो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों जो पेज ओनर है मैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट किया है दोस्तों मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जो फेसबुक पेज की टीम है इस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही हो, इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रही हो। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करना होगा। एंड दोस्तों आपको चेंज क्या करना है, दोस्तों आपको ही बता रहा हूँ एंड पेज ओनर को भी, कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो लिखना है जो जिससे रिलेटेड आपका पेज है, लाइक आपका पेज का नाम लिखना है, आपके पेज का एडमिन का नाम लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आपका पेज किस बारे में है, लाइक फ़नी वीडियो डालते हो तो उसके बारे में लिखिए, टेक्निकल डालते हो उसके बारे में लिखिए, स्पोर्ट्स डालते हो उसके बारे में लिखिए, या फिर जो जिस चीज़ के ऊपर आपका पेज है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी की, तो दोस्तों इसको भी फिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड दोस्तों इन्होंने खुद से कांटेक्ट करने के लिए एक भी चीज़ नहीं डाल रखी है, ना दोस्तों इन्होंने अपना फ़ोन नंबर डाला है, ना वेबसाइट डाली है, ना ईमेल एड्रेस डाला है। दोस्त अगर आपके पेज पे कुछ भी होता है, कुछ अगर अच्छा हो रहा है तब, या फिर कुछ अगर बुरा हो रहा है तो वो लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे आपको। दोस्त आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो कि मतलब अगर नहीं भी डालना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी के पास अपना फ़ोन नंबर तो है आज के टाइम में, तो डाल सकते हो, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पर डाल सकते हो, लाइक यूट्यूब चैनल है या फिर आपकी कोई .com वेबसाइट है वो भी डाल सकते हो। बट ईमेल एड्रेस दोस्त ज़रूर डालो, क्योंकि अगर कोई स्पॉन्सरशिप आती है तो वो आपका नंबर पर कॉल को मेल ही करेगी। एंड दोस्त अगर कोई पेज पे आपके कुछ आपको काम देना चाहता है, आपको पैसे अर्निंग करने के लिए कुछ भी देना चाहता है, या आपके पेज को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपका पेज अच्छा ग्रो हो रहा है, या कोई भी नोटिफिकेशन है किसी भी टाइप की, तो वो आपके ईमेल एड्रेस पे ही आएगी। तो दोस्त अपना ईमेल एड्रेस यहाँ से ज़रूर से डालें। बट एक बात अच्छी है, इन्होंने अपना एड्रेस डाला है तो वो अच्छा है। एंड दोस्त यहाँ पे इसको जो पेज है ये 9 hours अवेलेबल पे था, तो मैंने ऑलवेज अवेलेबल पे कर दिया, ऑलवेज ओपन पे कर दिया है। तो दोस्तों ये भी आप कर दें, या फिर आप अपना डे बाई डे सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, बट इसको ओपन रखें, इसको 9 hours अवेलेबल नहीं रखना है, परमानेंट क्लोज भी नहीं रखना है अगर आपको पेज ग्रो करना है तब। तो दोस्तों ऑलवेज ओपन एंड ऊपर जो ओपन फॉर सिलेक्ट आवर्स ये कर सकते हो। एंड इसके बाद दोस्त आपसे ये दोबारा से रिक्वेस्ट है, इसको पूरा फिल करें, क्योंकि इसके वजह से भी मतलब आपका पेज मोनेटाइज होने से रह सकता है। क्योंकि जब आप पेज को मोनेटाइज होने के लिए भेजते हो वो रिव्यू में जाता है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो आपका पेज इन्फो चेक करता है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी पेज की कैटेगरी क्या है, आपसे लोग अगर आपके पेज पे आ रहे हैं तो वो आपको कांटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आप उनसे बात करते हो या नहीं करते हो, आपका एड्रेस सही है या नहीं है, तो एंड आप अवेलेबल रहते हो, किस टाइम में रहते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो दोस्त इसको ज़रूर कर लें। एंड इसके बाद हम दोस्त इसका चेक करते हैं एक्टिविटी लॉग, क्योंकि यहाँ से अगर मतलब आप होम पे जाके पोस्ट देखोगे तो आपको कुछ पोस्ट हो सकती हैं कि नहीं दिखें, क्योंकि कुछ लोग एक्सपायर कर देते हैं, कुछ लोग हाइड कर देते हैं एंड कुछ लोग डिफ़ॉल्ट में डालते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक्टिविटी लॉग चेक करते हैं।
शायद यहाँ से हमें पता लगेगी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सारी पोस्ट आ गई जो भी भाई ने किए होंगी। एंड दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो कंटेंट डाला होगा, या तो मतलब अगर ओरिजिनल था तब अच्छी बात है, बट कॉपी है तो ये भी अच्छी बात है कि डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्त वहाँ से जो डिलीट हो गया है, बट आपको एक काम और करना है कि यहाँ से आ करके इसको पर्टिकुलर एक एक करके सब डिलीट करने हैं। दोस्त यहाँ से डिलीट क्यों करने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करोगे तो ये डाटा तो अभी भी आपके पेज पर ही है। अगर आपका पेज आप मतलब अंडर रिव्यू में भेजते हो मोनेटाइजेशन के लिए, तो दोस्त वहाँ से ये सारी आपकी डिटेल्स दिखेंगी, जिससे हो सकता है कि आपका पेज मोनेटाइज होने से दोबारा से रह जाए। तो दोस्त जो यहाँ से डिलीट हो रहे हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। एंड दोस्त आपका जो रीज़न था वो मैंने पहले ही देख लिया था। रीज़न क्या है कि इन्होंने यहाँ से बहुत सारी पोस्ट को लाइक किया हुआ था, जो कि पोस्ट डिलीट होने के बाद भी अभी भी लाइक हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं करूँगा तो ये अब अनलाइक हुआ है एंड यहाँ से वो सिंबल हट गया पेंसिल का। अब देखिए दोस्तों, और पे भी मैं क्लिक करूँगा लाइक का आ रहा है, यहाँ अनलाइक किया तो यहाँ से भी ये हट गया। तो दोस्त आपको ये सारी पोस्ट को अनलाइक करना होगा, आपका सिंपली यही रीज़न है। एंड जो दोस्त पोस्ट डिलीट हो सकती हैं उन पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, कुछ पोस्ट डिलीट नहीं होंगी तो उनको रहने दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड इसके बाद आपको ये ठीक कैसे करना है, बात यहाँ आ जाती है। तो दोस्त आपका ठीक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्त यहाँ से हम बैक जाते हैं, आपको जाना है अपने पेज पर। एंड पेज पे आ जाने के बाद दोस्त आपको करना है क्या है, यहाँ से URL को कॉपी करना है। एंड आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, जो फेसबुक क्रिएटर्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है वो भी ध्यान से सुनिए, एंड जो पेज ओनर हैं वो भी। आपका दोस्त ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का आया है। इसके बाद आपने सारी वहाँ से पोस्ट डिलीट कर दी जो आपको डिलीट कर देनी चाहिए थी, एंड आपको भी पता होगा कि आपको कौन से पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आपने बहुत सारी पोस्ट डिलीट कर दी, पोस्ट डिलीट करने के बाद आपने एक्टिविटी लॉक से भी उसको हटा दिया। इसके बाद आपको 1 मंथ का, मैक्सिमम 1 मंथ का तो वेट करना है, 1 मंथ से पहले कर देते हैं तो दोस्त कोई आपका मतलब चांस नहीं है कि आपका पेज ठीक होगा। अगर 1 मंथ का वेट करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो फेसबुक का रिदम होता है, एल्गोरिदम होता है, वो कम से कम 1 मंथ का टाइम लेता है आपके डाटा को मतलब कि दोबारा से अपडेट करने के लिए। आपके पेज पे आपने सारी जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जहाँ से आई थी वो डाटा डिलीट कर दिया है, तो वो अपडेट होने में टाइम लेगा, इसके लिए उसको 1 मंथ चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका पेज ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने वहाँ से लिंक को कॉपी किया, पेज को लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपका पेज नेम होना चाहिए, जॉइंट जो आपका इशू है वो भी आ जाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आ जाना चाहिए, इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड देखेंगे तो रिक्वेस्ट आएगा ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है, एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपका जो इशू है वो किस के ऊपर है, किस चीज़ पे आया है, तो दोस्तों आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन का इशू है, तो आप यहाँ पे पार्टनर पे कर दीजिए। आपने जो URL कॉपी किया था वो URL यहाँ पे डाल दीजिए, जो स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से, दोस्तों उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सेंड पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक करके करूँगा, बट आपको सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पेज पे आ जाना है। एंड आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद दोस्त अगर आप अपनी पेज इन्फो ठीक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हो सकता है जो फेसबुक टीम है वो आपका रिप्लाई जो भी होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे दे, बट आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर नहीं है तो सोचो वो कहाँ पर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके पेज ठीक ना हो इस वजह से। एंड बट अगर बाय चांस वो अगर यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो एक ऑप्शन और होता है फेसबुक टीम के पास, जहाँ पर वो आपको रिप्लाई भेजती है। अब यहाँ पर राइट में मतलब स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको पेज सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का रिप्लाई जो है दोस्तों यहाँ पर भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपका रिप्लाई आएगा। आपको उसमें क्या करना है, आपके पेज पे जो प्रॉब्लम थी आपने वो ठीक कर दी है, आपको वो मानना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको
आपको क्यों अपना पेज दोबारा से ठीक कराना है, पार्टनर मोनेटाइजेशन आपको क्यों चाहिए, उसका एक अच्छा सा रीज़न आपको यहाँ पर लिख करके उसको सेंड कर देना है फेसबुक टीम को। तो दोस्तों वो आपकी अपील होगी एंड वो 100% आपका पेज ठीक हो जाएगा, पेज पे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आप अपने आराम से इन स्ट्रीम ऐड को ऑन कर सकते हो, ग्रैंड कोलैब को एंड कर सकते हो एंड अपने फेसबुक पेज से अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर कुछ और लोगों की भी सेम प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक कर पाएंगे। एंड दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन कर दीजिएगा ऑल पे, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।